नहीं, जैसे पूछना चाह रहे थे हमको से ज्यादा तो विशेष। जारंगी काटा पर से लोगों का ट्रांसफर हुआ है, कुछ लोगों को फिर ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया गया था, बावजूद इसके पीओ इस मामले को फिर स्थगित कर दिए हैं, क्या कहेंगे समझ में आप? ये जो है सो बहुत ही गलत घटना है और ये जो काम प्रबंधन की ओर से किया गया है यह बहुत ही गलत काम है, क्योंकि संवेदनशील पदों पर जरंगडी में बहुत दिनों से कुछ लोग कार्यरत हैं जिनका नियम के मुताबिक समय पर स्थानांतरण होना चाहिए और इन्होंने स्थानांतरण किया, मगर किसी अदृश्य दबाव या अदृश्य कारणों के चलते, उपरोक्त कारणों के चलते फिर उसको कैप्टन एवेंस कर दिया, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा मैनेजमेंट को, प्रबंधन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ये प्रबंधन के ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ साजिश रची जा रही है और जो लोग कि गलत कमाई या नाजायज धंधे में लिप्त हैं वो लोग जो है सो संवेदनशील पदों पर काबिज रहना चाहते हैं और कुछ लोग अप्रत्यक्ष तौर पर इसका साथ दे रहे हैं। हमारी यूनियन इसका विरोध कर रही है और हमारे यूनियन को दूसरे यूनियनों ने भी इस संबंध में खुला समर्थन देने का ऐलान किया है, हम लोग इसके खिलाफ अपना संघर्ष करेंगे। ये बताइए जी, क्या इसमें कहीं से पैसे के लेन देन या खेल का भी पता मैंने लग रहा है? हो सकता है, हो सकता है। एक व्यक्ति और भी है वहाँ जो 15 वर्ष से वहाँ पड़ा हुआ, 15 वर्षों से उसका स्थानांतरण क्यों नहीं किया? केवल कांटा घर का ही सवाल नहीं है, 15 वर्षों, 18 वर्षों, 20 वर्षों से अन्य संवेदनशील पदों पर भी लोग काबिज हैं यहाँ पर, जिस पर की प्रबंधन उनको स्थानांतरण नहीं करता है, जो नियम के मुताबिक उनको तुरंत तत्काल किया जाना चाहिए। हमारी यूनियन मांग करती है कि सभी संवेदनशील, क्या कदम उठाएंगे आप? ये यदि प्रबंधन अपना नियम के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो बाध्य होकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या क्या है आपको उधर जाके आपको इसमें ऐसा मैनेज करना है? क्या नाम है? मरियानुस। आपका स्थानांतरण किया गया था कांटाघर जरंडी में? जी सर। और फिर उस पर रोक लगा दिया गया है जी, क्या मानते हैं इसको? ये तो गैर कानूनी है। क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है? जी, हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहा है मैनेजमेंट। किसने स्थानांतरण किया था और किसने रोक लगाया? ये तो चिट्ठी के माध्यम से तो पीओ साहब स्थानांतरण किए थे। हाँ। और पीओ साहब ही हम लोग को फिर बैक भेजे। किनके स्थान पर आप लोग का स्थानांतरण हुआ था? विनोद कुमार और आपका राजेंद्र मिश्रा, ये दोनों के जगह पे हम लोग को भेजा गया था। क्यों आपस फिर भी उन लोगों को बुलाने का चक्कर चल रहा है? ये तो मैनेजमेंट का है प्रॉब्लम कि क्या वो हम लोग में देखे जो हम लोग को बैक फिर बुला लिया गया। आपका नाम? श्रवण कुमार। क्या हुआ? हमारे साथ में यही हुआ है सर कि 27 तारीख के डेट में हमको चिट्ठी मिला है कि आपको असना पानी वेब्रिज से रोड सेल काटा में भेजा जा रहा है। जब हमको ये मालूम चला तो हम ऑफिस आए, ऑफिस में पता किए कि भाई हमको भेजा जा रहा है तो हमको चिट्ठी दीजिए। चिट्ठी पता चला राम यथी पांडे जी से कि वो चिट्ठी साइडिंग चला गया है। जब साइडिंग गए तो वहाँ पता चला कि चिट्ठी रिसीव रामचंद्र मंडल किया है। जब रामचंद्र मंडल को पूछते हैं कि ये मेरा चिट्ठी क्या हुआ, दीजिए हमको चिट्ठी, यहाँ ज्वाइन करना है, तो बोलते हैं कि चिट्ठी नहीं है। हाँ, और उसके बाद जब हम है जो कि चिट्ठी खोजे, पांडे जी को फिर सब हम बताएं कि चिट्ठी मिल नहीं रहा, हम कैसे ज्वाइन करें। पांडे जी हमको चिट्ठी दी के बारे में बताएं कि ऑफिस कॉपी है, इसको लेकर के आप है जो कि ज्वाइन करिए। हमने किया सेल ऑफिसर के पास में और ज्वाइनिंग दे दिया। ज्वाइनिंग देने के बाद 4 दिन ड्यूटी किए, 5वां दिन 1 मई पड़ा, 6ठा दिन संडे हो गया। ये दोनों बंदी के दिन हमको बोला जा रहा है कि आप गो बैक हो गए हैं, इसका भी चिट्ठी हमें नहीं दिया गया है। और जब हम चिट्ठी मांग रहे हैं कि गो बैक कर रहे हैं तो हमको चिट्ठी दीजिए भाई, हम वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे अपना पुराना जगह पर। हाँ, तो कहता है कि ये चिट्ठी नहीं है। और ये भी चिट्ठी रामचंद्र मंडल ही रिसीव किया है
और जब पूछते हैं कि भाई हमको चिट्ठी दीजिए तो बोलता है नहीं देंगे। रामचंद्र मंडल कौन है? रामचंद्र मंडल साइडिंग मुंशी का, साइडिंग का हाजरी बाबू है। जरंडी के पीओ द्वारा कांटा घर में किया गया था ट्रांसफर, उसको लेकर के पूरा आक्रोश है मजदूरों में भी और यूनियन लोग, यूनियन के पदाधिकारियों में भी। क्या मामला क्या है ये? मामला पूरा का पूरा ये कोयला का जो घपला चलता है, जो रातों रात लोग यहाँ करोड़पति बन जाते हैं, उसी से संबंधित मामला है। वहाँ लोकल सेल में काफ़ी घपला होता है, वजन से ज़्यादा कोयला दिया जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पर ये लोग जो है जिनका ट्रांसफ़र किया जाता है रोका जाता है। इन लोग का ट्रक है वहाँ लोकल सेल में, लोग ड्यूटी भी करते हैं और ट्रक भी रखते हैं और बिजनेस भी करते हैं। और जिनका एक साल पिछले ट्रक साल एक ट्रक था, इस साल जिनका ट्रांसफर हुआ है और जो जिनका ज्वाइनिंग हुआ है उनके विषय में क्लियर करेंगे। ये है कि जो लोग हैं वहाँ कांटा पर, वो लोग पूरा एक रैकेट संचालित कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से हैं, और इन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट उनसे जुड़ा हुआ है। काफ़ी जो नेता भी कुछ हैं उन लोगों का भी इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये लोग जो है कोयला का हेरफेरी में बुरी तरह संलग्न हैं, और जो दो व्यक्तियों का वहाँ स्थानांतरण किया गया, ये लोग अच्छे लोग हैं, इनके रहते वहाँ कोयला का हेरफेरी संभव नहीं था। मरियानुस और संतोष कुमार, ये दोनों श्रवण कुमार, ये दोनों अच्छे कर्मचारी के रूप में गिने जाते हैं। और जब इन घपलाबाजों ने देखा कि इन दोनों को रहते वहाँ घपला संभव नहीं है, गलत कांटा नहीं होगा, गलत वजन नहीं होगा, तो इन लोगों को रातों रात उसमें लाखों रुपए का नेताओं के बीच लेन देन हुआ है, और ये साजिश के तहत इन लोगों को फिर वहाँ से हटा दिया गया है, और फिर वो घपला करने वाले लोगों को लाके फिर रख दिया गया है। ये पैसे के बल पर सारा खेल हुआ है? सारा पैसे के बल पर खेल हुआ है, और काफी पैसे का यहाँ राजनीति चलती है, सभी लोग जानते हैं।